उसके साथ इसके नजायज संबंध रहे, बेडरूम के फोटो उसके। पुलिस प्रशासन ये कहता है कि तेरी लुगाई है, मेरी लुगाई नहीं है, वो किसी और की रखेल है। मेरी लुगाई होती मेरे पास रहती, मेरी गाड़ी चलाती थी वो, गाड़ी के अंदर मैंने जीपीएस लगाया, उसको मैंने 3 बार होटल में पकड़ा। तो लेकिन उस मामले में फिर मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा, रात को 5 बजे कभी 12 बजे उससे चरण सिंह से बात करती थी। चारों जो धंधा गलत धंधा करती हैं, ये चारों बहनें, तीनों बहनें और एक इनकी भाभी, चारों गलत काम करती हैं। वो कहती है मेरी जेब में एसपी है जी, चरण सिंह नाम का लड़का है, इनेलो पार्टी का बंदा है। वो कहती है इनेलो के हम गुंडे हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के मिर्जापुर रोड पर, जहां आपने 2-3 दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि एक सीमा नाम की महिला लगातार आरोप लगा रही थी अपने पति जवाहर पर कि उसका पति व उसकी सास उसके साथ मारपीट करते हैं, वह उसके बच्चों का हक नहीं दे रहे। जब हमने उसकी खबर दिखाई तो दूसरे पक्ष ने हमसे संपर्क किया और ये वो दुकान है जहां पर उस महिला के पति जो है काम करते हैं, और इसी तरह की कुछ बातें जो पहले उस गेट पर लिखी हुई थी वो भी यहां पर लिखी हुई हैं, नोट इस दुकान पर कोर्ट केस चल रहा है, सोहन लाल की नहीं है और इस पर कोर्ट केस चल रहा है, मेरी है। इस तरह की जो बातें सीमा देवी के मकान के गेट के ऊपर भी लिखी हुई थी, तरह तरह के जो पोस्टर हैं, वकील के जो नोटिस है वहाँ पर चस्पा थे, और यहाँ पर उस महिला के पति से उनका पक्ष जानने के लिए हम पहुँचे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर इस दुकान के अंदर कांच जो है काफ़ी बिखरा हुआ है, ये कुछ पुरानी LCDs हैं वो टूटी हुई हैं, इस हालत के ज़िम्मेदार कौन है ये चीज़ें भी जानेंगे। और ये हमारे साथ मौजूद हैं सीमा देवी के पति जवाहर जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका पक्ष की क्या कहना है इनका इस पूरे मामले को लेकर। हमारे साथ मौजूद है सीमा देवी के पति जवाहर जी, इनसे जानते हैं कि 20 साल की शादी के बाद ऐसा क्या हुआ जो पति पत्नी के बीच में इतना मनमुटाव हो गया और एक दूसरे के ऊपर जो है तरह तरह के जो है लंचन लगाए जा रहे हैं। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार। सीमा देवी के साथ आपका क्या संबंध है? सीमा के साथ मेरी शादी थी 29 जून 2002 को जी, और उसके बाद से मैंने उसको वो 10 पड़ी हुई आई थी जी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसको A&M का कोर्स कराया, A&M का कोर्स कराया, करीबन 1.5 लाख रुपए लगे, और लड़का था 2 साल का उस टाइम पे, लड़के को मैंने पढ़ा 2-1.5 साल तक, वो हॉस्टल में रही महेंद्रगढ़ में, मैं पढ़ू नहीं, महेंद्रगढ़ हॉस्टल में रही वो, तो हॉस्टल में उसने 2 साल हॉस्टल में रही, 1.5 साल मैंने पढ़ा, 1 साल फिर मेरी मम्मी ने पढ़ा। उसके बाद जब वो कोर्स पूरा हो गया तो मैं चला गया सिरसा, ठीक है। जब से मेरे को सभी ने मना कर दिया था A&M का कोर्स करा रहे हैं वो अब इसको, तो ये A&M का कोर्स गलत है, मेरे पास सभी ने दबाव दिया कि मत करा, फिर भी मैंने। किस तरीके से गलत है? वो कहते हैं कि जब स्टाफ नर्स लड़की अगर नर्स बन जाएगी तो ये है ना उसके करेक्टर पर ही उंगली उठा दी कि यहाँ पर नर्स बन जाएगी तो गलत चलेगी ये, क्यों लोगों से मिलेगी, स्टाफ से अलग अलग बंदों से मिलेगी तो इसका करेक्टर खराब हो जाएगा। मैंने उनकी नहीं सुनी घरवालों की, सभी घरवालों ने कहा कोई बात को नहीं ला, फिर मैंने घरवालों से ऊपर से होकर मैंने उसको कोर्स कराए, ठीक है। तो वो कोर्स कराने बाद मैं चला गया सिरसा, वो मेरे साथ सिरसा रही, सिरसा पहले मेरे को किसी ने बताया नहीं। क्यों? कोर्स होने के कितने समय बाद आप सिरसा गए? ये कोर्स होने के बाद करीबन 6 महीने बाद या साल बाद, कोर्स पूरा होने के बाद वापस जाने वहाँ मैं सिरसा चला गया, वहाँ पर मैंने सर्विस सेंटर चलाया सैमसंग केयर का, ठीक है। वो वहाँ पर ये किसी लड़के के उसमें आई प्रेम नाम, दौरान आपका आप पति पत्नी दोनों सिरसा शिफ्ट? हाँ दोनों सिरसा शिफ्ट हुए, पति पत्नी दोनों सिरसा शिफ्ट हुए, डॉक्टर इंद्रजीत वाली गली में, ठीक है। सैमसंग का केयर था हमारा, वहाँ पर मेरे पास करीबन 10 बंदे काम करने वाले होते थे, ठीक है। ये वहाँ पर ऊपर कमरा था उसमें ऊपर रहते थे हम, ठीक है। उस दौरान इसने बिश्नोई हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करी, सिरसा से हिसार अप डाउन करती थी ट्रेन के अंदर, एक ट्रेन में रेलवे में लगा हुआ प्रेम नाम का लड़का, ठीक है। उसके साथ इसके नजायज संबंध रहे, वो अब बता रहे मेरे को लोग, पहले नहीं बताया, नजायज संबंध रहे, आती जाती रही, ठीक है। 3 साल हम वहाँ रहे, उसके बाद सैमसंग का केयर बंद हो गया मेरा, वहाँ से फिर मैं आ गया हिसार में 2009 में, तो 9 में आने के बाद मैंने लिया इलेक्ट्रोलॉस का केयर, ठीक है। उस टाइम केयर में ले लिया तो फिर ये बोली मेरे को प्लस टू करनी है, फिर मैंने इसको प्लस टू करा दी, A&M का कोर्स करके प्लस टू करा दी, फिर मैं प्लस टू कराते फिर ये बोली मेरे को G&M करनी है, इसको फिर मैंने G&M का कोर्स दिया मैं अपने चौधरी वास यूनिवर्सिटी के थ्रू कॉलेज में, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन दवाने के बाद फिर 2 महीने बाद पोस्ट निकले A&M की, फिर मेरे पास संजू बोली A&M की पोस्ट निकल रही है, तो चल माँ चल ठीक है वो करते हैं। मैंने इसको A&M की जो पोस्टिंग के लिए मैंने रामनिवास गोडला जो कि हमारे बरवाड़ा लगे था मैंने उसके पास गया, उसे रिक्वेस्ट की, ठीक है। थोड़ी बहुत चलती है पॉलिटिक्स की, तो मैंने कहा उससे रिक्वेस्ट की सर हमारा एक तो रोशनी आना भाई
भाई कम से कम हमारा वो होने दो, क्या नाम है, थोड़ा बहुत हम भी उससे हैं, गरीब आदमी है तो नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा रोटी रोटी गुजार चल जाएगा। आप दोनों पति पत्नी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी पत्नी आप पर घर से बाहर निकालने के आरोप लगा रही है? सर आरोप उसके नहीं लगा रहे, आरोप मैं लगा रहा हूँ सर। उसके दौरान जैसे वहाँ से वापसी सहारा आए, हम वहाँ सहारा इशारा आने बाद उस वो वहाँ सिरसा प्रेम के उसके अंडर में उस चक्कर में थी, इशारा थी। एक चरण सिंह नाम का लड़का है, मिर्जापुर गाँव का है, चरण सिंह बुरा मिर्जापुर गांव का है, कौशिक नगर में रहता है, ठीक है। उसके चक्कर में आई और उसके मेरे पास फोटो है, बेडरूम के फोटो है उसके, वो उसके साथ चक्कर में आ गई तो चलता रहा। फिर मैंने आपको कब जानकारी हुई कि आपकी जो पत्नी है आपके अनुसार उनके जो है अवैध संबंध है किसी और के साथ? वो मेरे पास, मैंने गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा दिया, मेरी गाड़ी चलाती थी वो, गाड़ी के अंदर मैंने जीपीएस लगाया। उसको मैंने 3 बार होटल में पकड़ा, एक बार तो अपने सन सिटी, जो अपने सन सिटी है उसके बराबर में होटल है वहाँ पर पकड़ा, एक बार गुलाब सिंह चौक पर पकड़ा, तीसरी बार, दो बार मैंने उसको माफ़ किया। तीसरी बार वो उसने मेरे पास, वो मेरे बोली क्या नाम है, मैंने फ़ोन किया उसके बाद, तू कहाँ पर है? वो बोली मैं ड्यूटी पे हूँ आंसी में, सुर्खी में। फिर मैं यहाँ से चला स्कूटी लेके, मैं गया आंसी जाने, मैं उस वहीं जाती हूँ, वहीं जाके पकड़ता हूँ कहाँ पर आगे, ठीक है। उधर वो गाड़ी नहीं लेके गई थी तो मैंने उसको वहाँ जाने लग गया। रास्ते में मैंने सोचा एक काम करते, उसका प्लांट पड़ता चरण सिंह का रास्ते में, मैं उसके पास गया, मैंने वहाँ जाके देखा तो वो दोनों चरण सिंह और सीमा गाड़ी के अंदर आए थे, कहीं से आए थे, गाड़ी के अंदर दोनों थे, ठीक है। तो मैंने उनको वहाँ देखा, वहाँ देखते मैंने उसको बोला माँ तू या तू, तो कहती है क्या नाम है, मैं ड्यूटी पे हूँ, तू यहाँ पे चरण सिंह के साथ मजे कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि दो बार आपने अपनी पत्नी को माफ़ किया, तो आपके और आपकी पत्नी के बीच में खुलकर भी इस बारे में कोई बातचीत हुई? खुल के बात हुई थी, मैं बताया था मेरा दोस्त है जी, वो कहती मेरा दोस्त है, माँ दोस्त है तो कोई बात को नहीं, दोस्ती एक होती है आदमी, जैसे दोस्त लड़का लड़का दोस्त होते हैं, लड़का लड़की भी दुमा एक, मैं 21वीं सदी का लड़का हूँ, ये सोचा चल फ्रेंकली रहते हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन उस मामले में फिर मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा, रात को 5 बजे कभी 12 बजे उससे चरण सिंह से बात करती थी, और इस मामले में फिर मैंने जब पकड़ा इसको, रात को फ़ोन कर रही है तो मैंने इसका फ़ोन पर ट्रेसिंग लगा दिया, फिर इसने नया फ़ोन खरीदा, उस फ़ोन के बजाय एक नया फ़ोन खरीदा, और वो फ़ोन मैंने बस स्टैंड पर मिला, उसके पीछा किया मैंने, बाहर निकाला इसने बस स्टैंड पे, मैंने इसके पास उसको धमकाया तू फोन ले रही है, उसके दोनों फोन खोज के ले आया मैं घर पे आ गया। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर, क्या आपके पास इस चीज़ के कोई सबूत भी हैं? इस चीज़ के सबूत है, मेरे पास वीडियो है, उसके फोटो है जी। उसके बेडरूम के किस करते हुए उस आदमी के साथ मेरे पास फोटो है, वीडियो है, वो आप कहोगे तो मैं फोन में दिखा दूंगा या आपको दे दूंगा जी। आपकी पत्नी के द्वारा लगातार आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके और आपकी माताजी के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती थी, ये कितने सच है? सर मेरी माता पीट वो क्या नाम है 11 तारीख को 3 बजे मैं ऑफिस में था, 11 कौन से महीने के, 11 फरवरी को मैं ऑफिस में बैठा था और मेरे पास दो बच्चे आए कि आपकी माता के साथ आप वो सीमा आई हुई है वो मारपीट कर रही है। कहाँ से आई हुई है, मतलब आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती? मेरी पत्नी मेरे से 2 साल से 6/6/2019 से जी, वो चरण सिंह के साथ 6/6/2019 से चरण सिंह के साथ रह रही है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, उसका क्वार्टर नंबर 32 कुछ नंबर है, मैं आपको फोटो दूंगा, उसका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहती है वो, ठीक है। उसके साथ रह रही 2 साल से, ठीक है। और जब 11 तारीख को वो आई 3 बजे के करीब, मेरी माता जी के पास मारपीट करी, गला घोसा, पेट में लात मारी और उसके बाल पाड़े, उसके सारे निशान है, और कड़ पे डंडे मार रखे, कड़ पे लट्ठी मार रखी है, उसके निशान है। तो क्या उस समय सीमा देवी के साथ कोई और भी मौजूद था? उस टाइम सीमा देवी के साथ का फादर था, उसकी दो भाभियाँ थी, राधा ज्योति और एक उसकी बहन है रानी जो आर्य नगर शादीशुदा है, और उसकी एक बहन है आर्य वहाँ पर शादीशुदा का है, क्या नाम आर्य उसमें है, या क्या नाम क्या बोलते हैं इसमें दानसू गांव में, दानसू गांव से वो भी अपने उसके पीर में रहती है। और क्या आरोप, ये आरोप मेरे ये आरोप हैं, ये तीनों बहन हैं और एक इनकी भाभी है, चारों हैं, चारों जो धंधा गलत धंधा करती हैं, ये चारों बहनें, तीनों बहनें और एक इनकी भाभी, चारों गलत काम करती हैं, उससे पैसा कमाती हैं जो कि इनका घर का खर्चा चलता है, इनके पास और कोई चारा नहीं है। और उन्होंने रात को मेरी मम्मी जो मेरी माँ को मारा था, मेरी माँ को उन्होंने मार के बाहर निकाल रखा था, मेरी माँ के कपड़े बांट रखे थे, ठीक है, मोहल्ले में 40 आदमी इकट्ठे थे, ठीक है, उस टाइम पर एक बंदा नहीं 40 आदमी थे और 20 आदमियों ने चौकी में गवाही दे रखी है। जवाहर जी ये आरोप शायद सिर्फ इसलिए तो नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि सीमा देवी ने आपके ऊपर आरोप लगाए? नहीं सर, मेरे पहले अब आरोप नहीं लगा रहा मैं सर, मैंने आपकी जब वीडियो देखी थी उसी टाइम मैंने फेसबुक पे मेरा ये फोटो थे, वीडियो थे, सारे डाल दिए थे, और आपकी न्यूज जो बिग न्यूज के जो कमेंट्स थे हर कमेंट्स में मैंने जवाब दिया था उसी टाइम जवाब दिया था, वो फोटो जो मेरे पास थे वो उसी टाइम उनके ऊपर अपलोड किए हुए हैं, वो मैंने डाले थे
एक एक फोटो डाल दिया था मैंने, प्रूफ डाल दिया था कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, वो अपना पक्ष रख दिया था, मैंने पता बाद में पता चला था, तो मैंने सारे लगा दिए थे उसपे। एक बहुत ही बड़ा संगीन आरोप आपकी पत्नी के द्वारा आप पर लगाया जा रहा है कि आपने दूसरी शादी कर ली पहली पत्नी के होते हुए। सर पहली पत्नी के होते हुए मेरे को सर बच्चा तो हूँ नहीं, मैं पहली पत्नी रहते हुए दूसरी शादी कर लूंगा, ठीक है, मेरे को पता है कि जेल में जमानत भी नहीं होगी, अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरी जमानत भी नहीं होती। ये आरोप तो मैं आरोप लगाना और सिद्ध करना, आरोप तो मैं लगा रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि वो गलत है। उसके आप इस आरोप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप तो देखो जी बताया था, मैं भी कह सकता हूँ उसने तीन शादियाँ रखी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता, वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहती है, कैसे रहती है, उसके साथ रहती है वो, मैं उसकी वीडियो देखा देता हूँ, उसके मोहल्ले में जाके पता कर लो, मेरे पड़ोस में आके कोई इसी से पता करो, कोई नहीं कहेगा हाँ भैया कहेगा ये अकेला रहता है, 11 तारीख तक मैं यहाँ अकेला रहता था, खुला रहता था, कोई मेरे पास कोई आरोप नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल खत्म, मतलब एक वो सोचती है कि मैं इस घर में एंट्री करूं, मतलब प्रॉपर्टी को हथियाऊं, वो प्रॉपर्टी हथियाने के लिए आ रही है यहाँ पर, ना कि मेरे पास वो आ रही है, क्या कहते हैं। एक और बड़ा आरोप लगाया जा रहा है सीमा देवी का आपके ऊपर कि आपने मकान को जो है किसी और को बेच दिया ताकि जो है प्रॉपर्टी में उनके बच्चों को उनको हिस्सा ना देना पड़े, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? सर आरोप वाली मैं बताता हूँ, ये मकान वो गिरवी धर के जा रही है, ये मकान है ना वो गिरवी धर के गई थी 9 लाख रुपये में, चरण सिंह को दिए थे मेरे जीजा जी ने, मेरा जीजा जी, मेरे जीजा जी ने, ठीक है ऐसा है जी, उसने जो मकान में रह रही है मकान उसने गिरवी रखी गई थी 9 लाख रुपए में, और वो 9 लाख रुपए में गिरवी रखी गई थी, वो किसी को गिरवी रखा था उसके नाम है, ठीक है, उसके पैसे दे के वापसी नाम कराना पड़ेगा। नहीं वो कह रहे हैं कि जो मेरे नंदोई को, मेरी सास ससुर ने और मेरे पति ने साजिश करके मेरे नंदोई को ये मकान बेच दिया। मकान बेचा नहीं, वो गिरवी रखी गई थी, मैं और सीमा दोनों उस टाइम पति पत्नी साथ में रहते थे, ठीक है, हम दोनों रख के गिरवी रखे थे, 9 लाख रुपए लेके आए थे, ठीक है, 9 लाख रुपए गिरवी रखा था हमने किसी को, ठीक है, और वो तो आरोप यह है वो उस मेरा ससुर ने हमारे 20 लाख रुपए लिए हुए हैं, मेरे पास स्टाम्प है, एफिडेविट है, एग्रीमेंट है, सब कुछ है, वो मैं दिखा सकता हूँ। और पता क्या था उस दिन जब मार तोड़फोड़ करी, अगले दिन पता क्या हुआ उसने, ये तो उस दिन का आरोप है, उसके बाद 4 दिन बाद मैं घर पर गया, वो कोई वो घर छोड़ी 11 तारीख के बाद 15 तारीख को मैं घर पर गया गाड़ी खड़ी करने के लिए, ठीक है, तो उसने मेरी गाड़ी आए, उन्होंने माँ बेटा दोनों आए, मेरी गाड़ी तोड़ी सारी, ठीक है, मेरा सारा मकान तोड़ फोड़ कर दिया, मेरे पास फोटोज हैं, मेरे पास फोटोज हैं उसकी, गाड़ी तोड़ फोड़ करी उसने, और उसके क्या कहते हैं, ये मेरे पास फोटोज हैं गाड़ी के, ये गाड़ी का फोटो है मेरे पास, ये गाड़ी के मेरे पास फोटो हैं, ये सारे तोड़ फोड़ कर गाड़ी के 6 शीशे तोड़ दिए, आगे वाला पीछे वाला साइड वाले और एक साइड वाला शीशा तोड़ दिया, ठीक है, और ये दुकान में तोड़ फोड़ कर रखी थी, दुकान की फोटो है, वैसे मैं आपको ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारी तोड़ फोड़ की फोटो है, और ये मेरे पास ये शिकायत दी हुई मैंने 15 तारीख की, ये उसकी फोटो है, और ये फोन में फोटो में उसके साथ जो आरोप लगा रहा हूँ मैं उसके ऊपर, मेरा उस दिन फोन वो उन्होंने फोन तोड़ दिया मेरा, ये बैंड किया हुआ है, जो ये सारी दुकान तोड़ फोड़ करके गई, और मैंने इसके ससुर को, मेरे ससुर को 20 लाख रुपए हमने दिए हैं, उसमें एग्रीमेंट है बाकायदा। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा? पुलिस प्रशासन का रवैया वो कहती है मेरी जेब में SP है जी, चरण सिंह नाम का लड़का है, इनेलो पार्टी का बंदा है, वो कहती है इनेलो के हम गुंडे हैं जी। इनेलो के गुंडे कहती है अपने आप को, मैं हम इनेलो के गुंडे हैं, और हम तो तेरे को जीना दूर कर देंगे, इशार में तू जी नहीं पाएगा, इशार को तेरा जीना दूर कर देंगे, और मेरे को मारने की कई बार धमकी दे चुके हैं उसने, सिविल हॉस्पिटल में एक दिन मैं था तो उसने चरण सिंह ने मेरा कॉलर भी पकड़ा था। आपकी दुकान में जो तोड़फोड़ हुई किसके द्वारा की गई? ये सीमा के और उसके लड़का गुरदीप के, दोनों ने आए, ताला तोड़ा, ताला टूटा हुआ है, ताला तोड़ के जिस दिन मेरे मारपीट करी, मैं सिविल हॉस्पिटल एडमिट रहा था, मैंने भी MLR कटा रखी है, ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, मैंने SP को भी दरखास्त दी हुई है, मैंने SP को दरखास्त दी हुई है, पुलिस प्रशासन ये कहता है कि तेरी लुगाई है, मेरी लुगाई नहीं है, वो किसी और की रखेल है, मेरी लुगाई नहीं है, मेरी लुगाई होती मेरे पास रहती। एक और बहुत गंभीर आरोप आपकी पत्नी द्वारा लगाया जा रहा है कि जो उनका नंदोई है यानी आपकी बहन के पति, वो उनके साथ जो है बदतमीजी करते हैं, और आपने और आपके जो परिवार वालों ने घर का कुछ सामान चुरा लिया, जो है जो मोटर के कनेक्शन तोड़ दिए ताकि उनको घर पे रहने में परेशानी हो, बिजली का कनेक्शन कटवा दिया गया, ऐसा बिजली कनेक्शन रुपये 11,000 रुपये बिजली बिल था, ठीक है, वो मैं पे नहीं कर पाया, वो बिजली वाला फोन आया था भाई, मैं बोला मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, ठीक है, जब तक मैं वापसी आऊँगा तो मैं जुड़वा लूँगा, क्योंकि मेरे साथ मार पिटाई कर रहे घर के, एंट्री नहीं करते, मैंने बिजली वालों को बोल दिया कि 11,000 रुपये बिल है, बिल जब जमा कराऊंगा मेरा कनेक्शन जोड़ देना, ठीक है, उन्होंने बोला हम कनेक्शन काट रहे हैं, मैंने उन्होंने मना नहीं किया, हमें ना काटो,
क्योंकि बिजली बिल 11,000 रुपये पेमेंट बढ़नी थी, पैसे मेरे पास है नहीं, ठीक है, क्यों पैसे वकील वाले लेगा, वकील केस करेंगे तो वकील वाले लेगा, इसलिए मैं पैसे नहीं दे पाया। तो और कनेक्शन जो तोड़े हैं, काटा है, टंकी तोड़ी है, फूट टूट फूट करी है, स्कूटी उठाई है, वो मैंने FIR करके मैंने चौकी में मैंने दे रखी है, जो तोड़ फोड़ कर रखी है, घर में लूट फूट फूट कर रखी है, वो सीमा देवी ने कर रखी, ना कि मैंने कर रखी है। एक और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप अपने बड़े बेटे को परवरिश के लिए अपने साथ ले गए, उसके बाद उसकी परवरिश ढंग से नहीं गई, जिस वजह से वो वापस अपनी माँ के पास चला गया। ऐसा है जी, लॉकडाउन चल रहा था, IIT की कोई क्लासेज लग नहीं रही थी, पिछले लॉकडाउन चल रहा था, IIT की कोई क्लासेज लग ली, फिर भी मैंने लड़के की फीस 15-20 हज़ार रुपये फीस मैंने दी थी, बाय चेक दी है, उसका मेरे पास प्रूफ है, बाय चेक दी थी, 20,000 रुपये फीस दी थी मैंने उसकी IIT के लिए। फिर वहाँ पर किसी ने, मेरा भाई लेक्चरर है, छोटा भाई लेक्चरर है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आप ये कहोगे सरकारी स्कूल घटिया स्कूल है? ये तो आप ब्लेम लगा रहे हो गवर्नमेंट के ऊपर, आप गवर्नमेंट घटिया है, मतलब उसने ये कहा सरकारी स्कूल में नाम है, मेरा भाई लेक्चरर है, अगर वो 70,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाला देता है कोई लेक्चरर को 60,000 रुपये तनख्वाह? नहीं देते, 5,000 रुपये वो तनख्वाह देते हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल घटिया और गवर्नमेंट स्कूल घटिया, आप मतलब गवर्नमेंट आरोप लगा दिया हमने। तो आपके बड़े बेटे की उम्र कितनी है? मेरे बड़े बेटे की उम्र 18 साल में 3 महीने कम है। आपका बेटा जो है 3 महीने में बालिग होने वाला है, और अगर आपके द्वारा लगाए आरोप सच हैं तो एक 18 साल का बच्चा जो है सारी चीज़ें जानता है, हर अच्छी बुरी चीज़ों को समझता है, तो वो आपके हक में आपके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा? ऐसा वो मेरे पक्ष में इसलिए नहीं खड़ा, जो आज की ये जवानी का दौर है, ठीक है, इसमें जो बहकता लड़का वो एक चीज़ आपको पता है, हर ये आज का टाइम है, वो उसने उसकी माँ ने मेरे को बताया था, ला बेटा तू है ना जब 18 साल हो जाएगा तेरे वो लड़की माँ ला कर दूंगी, शादी के लिए नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। उसकी माँ, मेरा आरोप ये आरोप है कि उसकी माँ ने मेरे सामने कहा था कि 18 साल का हो जाएगा बेटा तेरे को मैं लड़की मैं ला कर दूंगी, ठीक है, वो गलत काम करते हुए बाथरूम में गलत काम करते हुए उसकी माँ को मिला था, तो इसलिए उसकी माँ ने ये बात मेरे सामने कही थी। चलो अंत में चलते चलते जो आरोप आपकी पत्नी सीमा देवी ने आपके ऊपर लगाया, आप उससे कितना एक इत्तेफाक रखते हैं? आरोप तो सर पता कहता है, आरोप तो लगा दिए, ठीक है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन आरोप बिल्कुल एक बिल्कुल घटिया से घटिया आरोप है, और उसको मैं बिल्कुल खत्म करता हूँ, आरोप कोई सिद्ध करके दिखाए। आज आप अपनी पत्नी के ऊपर किस तरह के जो आरोप हैं लगा रहे हैं? मैं तो आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो फोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके साथ चरण सिंह के नजायज संबंध है, बिल्कुल गलत चलती है, ठीक है, और ये आज से नहीं है, ये करीबन 10 साल से चल रही है, ठीक है, पहले प्रेम के साथ थी, ठीक है, वहाँ स्कूल में मास्टर के साथ थी, ठीक है, और शादी से पहले इसकी शादी मतलब मैरिज वो क्या नाम है बचपन में शादी की है इसकी, क्योंकि घर से मेरे को इसकी घर के सामने कोई पंडितानी उसने बताया कि घर से भाग के आई थी मेरे पास, ठीक है, रात को भाग के आई थी किसी लड़के को लेके, ठीक है, शादी से मेरी शादी होने से पहले, वो तो मेरे को अब पता चल रहा है कि पीछे वाली बातें मेरे को अब बता रहे लोग, तेरी लुगाई इस तरह थी, तेरी लुगाई इस तरह थी, तेरी लुगाई इस तरह थी, क्यों पहले मेरे पास रहती थी नहीं बताते थे, क्योंकि सभी बंदा चाहता है, कोई बंदा आज भी नहीं चाहता कि इसका घर टूटे। आज भी पंचायत आई थी गांव से, मेरे गांव के दो सरपंच आए थे, वो कह रहे थे कि हाँ भाई हम तेरा घर बसा देंगे, ठीक है, लेकिन उस लड़की ने पता क्या कहा, उसने कहा 35 लाख रुपए दो मेरे को, ये मकान दो, ये दुकान दो, गाड़ी दो, खेत का जो जमीन है वो मेरे को सारी जमीन मेरे नाम कराओ, तो मैं इसका घर बसाऊंगी, नहीं तो नहीं बसाऊंगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी मांगती है, आदमी नहीं चाहिए उसको। आपने हमारे चैनल के माध्यम से सुना कि सीमा देवी के पति जवाहरलाल ने भी आरोप लगाए हैं अपनी पत्नी के ऊपर कि उनकी पत्नी का जो करैक्टर है वो ठीक नहीं है, उनके अवैध संबंध बाहर के कुछ लोगों की वजह से थे, जब उन्होंने इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया तो इनकी पत्नी इनके खिलाफ हो गई और लगातार झूठे आरोप इन पर लगाने लगी, इनके माँ बाप पर लगाने लगी, इनके परिवार पर लगाने लगी, और जो है सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि मजबूर होकर इन्हें ये कदम उठाना पड़ा और अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा। और जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 साल से इनकी जो पत्नी है वो इनके साथ नहीं रह रही है, और पिछले 15 फरवरी को इनकी दुकान में जो है वो सीमा देवी व उनका बड़ा बेटा आकर तोड़फोड़ कर गया है, और जिसके सबूत भी इन्होंने ऐसा कहा है कि इनके पास है, ऐसे आरोप भी जवाहरलाल द्वारा सीमा देवी पर लगाए जा रहे हैं। और ये जो आरोप सीमा देवी द्वारा जवाहरलाल पर लगाए गए या जवाहरलाल द्वारा सीमा देवी पर लगाए गए ये आरोप कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं ये सब एक जांच का विषय है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं एक परिवार को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। जैसा कि आपने जाना कि इनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 3 महीने बाद 18 साल का होने वाला है, अगर भविष्य में इस तरह की सिचुएशन के चलते एक पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो उन बच्चों का भविष्य क्या रहेगा, ऐसा एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने उठता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की हिसार की बड़ी अपडेट
अपडेट्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित जाखड़ और मैं अमित कुमार। फिलहाल के लिए लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद।